मुकुंद चार हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आपको धमकी मिली है, क्या पूरा मामला? लगातार कुछ सोशल मीडिया पर मुझे धमकियां आ रही है, कभी बाल काट देंगे, कभी चौराहे पर मार देंगे, कभी गोली मार देंगे। अब आया है कि चौकड़ी तोपखाना गलता गेट क्षेत्र में तुम आ जाओगे तो आ तो जाओगे, जा नहीं पाओगे, और ऐसे ऐसे और भी शब्द हैं। तो ये ऐसे आए दिन आ रही है। भय नहीं है, न विचार है मन में, लेकिन जागरूक नागरिक होने की जिम्मेदारी है कि आपके पास में बार बार अगर इस प्रकार की ऐसी कोई बात आती है तो हमें जागरूक नागरिक होने के नाते पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए। और मैंने मेरे एडवोकेट की सलाह लेकर वह साहब को लिखित में दी है, जहां जहां से जो आती है पोस्टें वो मैंने अवगत करा दी, और साहब ने एक ही मिनट में उसकी टीम गठित करके और उसके लिए टीम लगा दी गई है। यानी अब जल्दी ही वो लोग पकड़े जाएंगे जो प्रदेश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, प्रदेश में सुख शांति समृद्धि विकास जो आगे बढ़ रहा है उसमें कि इस प्रकार का माहौल करके कुछ खराब करने की चेष्टा भी करें तो होने वाला है नहीं। ये प्रदेश पूरा परिवार सामूहिक रूप से भाजपा परिवार एक साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहा है। जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में कल दीवारों पे कुछ अजीबोगरीब चीजें लिखी गई, देश विधानसभा मेरी नहीं थी लेकिन ये पूरा प्रदेश हमारा है, ये हमारा परिवार है। विधानसभा वो न बांटते हुए एक दीवार पर चलते हुए कोई लिखा देखा तो देखकर बड़ा मन पीड़ित हुआ कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कौन ऐसे लोग हैं जिनको चयनित करना चाहिए और उनके लिए जो जगह बनाई गई है वहां उनको भेज देना चाहिए। कौन माहौल खराब करना चाहता है, कौन यहाँ पंजाब को मुक्त चाह रहा है, किस रूप में चाहता है, कौन यहाँ पाकिस्तान की जयकार कर रहा है, उन्हें ढूंढकर उस सलाखों के पीछे लाना चाहिए ताकि औरों को भी पता चले और दोबारा ऐसी हरकत कोई कर न पावे। ये अपराध मुक्त राजस्थान हो चुका है, यहाँ अपराधियों की कोई जगह नहीं है, इसलिए अब छुटमुट कोई घटना है तो उसका भी समय पर इलाज हो जाएगा। जी, एक तरफ तो आप देवालयों को जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है या जिनको तोड़ फोड़ दिया है उन्हें आप दुरुस्त करवाने की मुहिम में आप पिछले करीब साल डेढ़ साल से लगे हुए, लेकिन आजकल एक अलग ही गोरख धंधा चल रहा है, अवैध जमीन कब्जे का। कई जगह ऐसी है जहां पे अवैध कब्जा कर रखा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, दो दो चार चार साल हो चुके हैं। और इसमें ताजा मामला मैं आपको बताऊं, जगतगुरु वल्लभाचार्य जी की जो जमीन थी पांच बत्ती के पास, उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया, हालांकि वो छूट चुकी है, लेकिन एक गिरोह ऐसा खड़ा हो चुका है, उस गिरोह के बारे में या उसके बारे में भी आप कुछ करने के विचार? बिल्कुल, हमने साहब अभी सरकार आई है, सरकार आने के तत्पश्चात आचार संहिता इत्यादि आ गई है, फिर भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब जितने संवेदनशील हैं और जो उनका अब तक का 20 साल 22 साल का जो कार्यकर्ता का अनुभव है और समस्याओं को नजदीक से जानते हैं और एक ऐसे परिवार से हैं, गांव से हैं, ढाणी से हैं, तो वो समस्याओं को जड़ से जानते हैं कि कहां से क्या हो सकती है। वो जिस कदर काम कर रहे हैं, आप ये माने कि अपराध मुक्त होता जा रहा है। हमने देवालयों की जमीन, मठ मंदिर आश्रमों की जमीन के लिए एक अलग से बोर्ड गठन करने की निवेदन किया हुआ है, अब आगे उस पर प्रक्रिया होगी। और हमने ये कहा है कि उसकी कोर्ट बना दी जाए और इन मामलों को लंबित न करके फटाफट उनको जांच में दायरे में लेकर और जल्दी से निराकरण किया जाए और ये काम जल्द होगा। बाकी आप निश्चिंत रहें, भाजपा की सरकार है, कहीं भी इस प्रकार के अवैध कब्जे या सनातनियों की या मंदिरों की या मठों की या आश्रमों को, इन लोगों का कहीं भी किसी रूप में कोई नुकसान होने का कहीं भी कोई होने नहीं दिया जाएगा, इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल है महाराज जी, आप पर ही अक्सर ऐसी चीजें क्यों सामने आती है, कभी आपको धमकाया जाता है, कभी किसी प्रकार की और चीज की जाती है, क्या आप सनातन का झंडा लेके चल रहे हैं सिर्फ इस वजह से? हो सकता है कुछ लोगों को, जिहाद स्वभाव के लोग हैं ये लोगों को हो सकता है ये तकलीफ हो कि भाई मैं, हम लोग तिरंगा और सनातन दोनों को साथ लेके चलते हैं, जहां पूरी दुनिया में एक और सनातन हुआ करता था, आज सिर्फ सनातन की बात कहें तो कुछ देशों में बचा है, उसमें भारतवर्ष भी विशेष है। और भारतवर्ष जब विश्वगुरु कहा जाता है और सब भाषाओं की जननी भी इसको, संस्कृति को संस्कृत को माना जाता है, और अन्य जितने भी देश हैं उसको वसुदेव कुटुंब यानी भारत का ही परिवार माना जा रहा था, तो आज धीरे 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 भारत में भी पिछली जो सरकारें रही 2014 के पहले कांग्रेस की, आजादी के पश्चात भी आज तक 528 साल का राम मंदिर जैसे के लिए केस लड़ना पड़ा, आज भी अनगिनत कितने प्राचीन स्थानों के लिए हम लोग लड़ी रहे थे, लेकिन अपूर्णता हमें विश्वास है आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी के आने के पश्चात, वह बिना किसी भेदभाव के
सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए सबका विश्वास जीतकर सबका प्रयास साथ रखकर काम कर रहे हैं। तो ये माने एक और तिरंगा भी आगे की ओर बढ़ रहा है, वर्ल्ड लीडर बनकर विश्व गुरु बनकर भारत पुनः स्थापित हो चुका है और दूसरी ओर सनातन भी चल रहा है। इसीलिए आज योग दिवस योगा डे पूरी दुनिया में माना जा रहा है। किसकी देन है? आदरणीय प्रधान सेवक जी की देन है। आज पूरी दुनिया में कश्मीर बहुत बड़ी पीड़ा बनी हुई थी और भारत के लिए सबसे ज्यादा दुखदायी बात थी कि भारत का अभिन्न होने के पश्चात कश्मीर भारत का हिस्सा न माना जाता था। आज कश्मीर में सुख है, शांति है, समृद्धि है, कलम है, भाईचारा है, व्यापार है। कश्मीर आगे की ओर भारत के साथ मिल गया और भारत के साथ विकास चल रहा है, अन्यथा क्या हालत पिछले सरकारों की थी। ये माने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब राजस्थान के, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उनके नेतृत्व में चहुंओर विकास हमारे राजस्थान का भी हो रहा है, पूरे देश का भी हो रहा है। इसको इस प्रकार की गतिविधि करने वाले कितना ही प्रयास कर लें, ये माने कि वो प्रयास उनका असफल ही है। देश 142 करोड़ का परिवार है और सामूहिक रूप से संगठित होकर और भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये थे हमारे साथ स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि देश को नुकसान पहुंचाने की या फिर राष्ट्र विरोधी जो भी ताकतें हैं उन्हें हराया जाएगा और इनके ऊपर जो हमले किए गए हैं या जो टीका टिप्पणी की गई है उसके बारे में इन्होंने पुलिस कमिश्नर साहब को सूचित कर दिया है। जल्द ही वो लोग भी पकड़े जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।